नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप सेकंडों में सवाल को हल कर पाएंगे। इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, आप सेकंडों में कर पाएंगे। कैसे? पहले पूरा वीडियो देखिए, खुद ही समझ जाएंगे। आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के साथ आप बने रहेंगे और पूरी कंसेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए, कोई भी संख्या आप लिखिए, या तो उसके अंत में जीरो आएगा, एक आएगा, दो, तीन, मतलब जीरो से लेकर नौ तक की संख्याएं आएंगी। कोई भी संख्या लिख दीजिए, ठीक है, यही सभी संख्याएं आएंगी। 478 का यूनिट डिजिट कितना है? तो 8 है। 732, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। इकाई अंक कितना है? 2 है। अब हम सवाल को देखते हैं। चलिए आप बताइए एक संख्या कि मैंने लिख दिया 7346, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। आइए इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले भाग में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 आता है तो इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। अब ऐसी संख्याएं दी रहेंगी, उसके घात में कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी। एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मैंने ले लिया 040। अब इसके पावर में कुछ भी लिख दिया जाए, मान लीजिए हम लिख दिया 4732, और इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप कहीं भी मत देखिए। इसमें का इकाई अंक कितना है? 0 है। अब 0 के पावर में कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0, 1, 5 और 6, ये सभी ऐसी संख्याएं हैं कि जिसके पावर में कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या खुद आएगी। अब जैसे हम एक का देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7441 ले लेते हैं। इसके पावर में आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, इसके घात में कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 6000। अब इसको हल करने के बाद इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई अंक ज्ञात करना है। आप कहीं पर मत देखिए, 74 को भूल जाइए। इसमें का इकाई अंक कितना है? 1 है, और बाकी पावर में कुछ भी रहे, सीधे से आप उसका इकाई अंक 1 बता देंगे। अब जैसे देखिए, मैंने लिख दिया 75 के पावर में लिख दिया हमने 2000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लंबा होगा, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अब यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, 5 है इकाई अंक, इकाई अंक सीधी से 5 है भैया, तो पावर में कुछ भी रहे, इसका यूनिट डिजिट ऑटोमेटिक 5 आएगा। आप करके देख सकते हैं। अब 6 का भी देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 766, ठीक है, इसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, 4387। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, इकाई अंक 6 है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पावर में कुछ भी संख्या रहे, अगर संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले भाग में हम लोग कौन कौन से अंकों का देखा, हमने 0, 1, 5 और 6 का देखा। अब देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के अंत में 4 आ जाता है और 9 आता है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 आता है और 9 आता है, अब देखिए अगर 4 के पावर में कोई ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर, तो इसका सीधे से एक फार्मूला बना लीजिए या फिर थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 4 ऑड 4, मतलब कि 4 के घात में अगर कोई विषम संख्या है, ऑड मतलब होता है विषम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर 4 के पावर में कोई इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। एग्जांपल लेकर देखते हैं। ऐसे देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे मैंने ले लिया 484 के पावर में कोई ऑड नंबर लेना है, तो मैंने ले लिया 767 ले लिया। अब इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप देखिए संख्या कितनी है, 484 है, हमको 48 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इकाई अंक हमारा कितना है? 4 है, ठीक है, सिर्फ 4 से मतलब है। जब इकाई अंक 4 है तो घात में देखिए पावर में कौन सी संख्या है, तो पावर में एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो 4 ऑड 4 4 विषम 4, तो 4 के पावर में ऑड नंबर, तो सीधे इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइड भी नहीं करना है 4 से। अब देखिए कोई सम संख्या रहे, तो मान लीजिए हमने लिख दिया 24 के पावर में हमने लिख दिया कितना, अब इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात कीजिए भैया। तो देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक 4 है, इसके पावर में, इसके घात में देखिए एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो सीधी से आप कहेंगे कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 9 का भी वही है कि 9 ऑड कौन सी हो जाएगा? 9, और 9 के पावर अगर इवन वाली कोई नंबर होती है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
जैसे 9 के पावर अगर मान लीजिए कि 73 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 73 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी इसके आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन यूनिट डिजिट की बात हो रही है। अब देखिए, 9 के पावर कोई अगर इवन नंबर रहे, जैसे मैं लिख दिया 840, ठीक है, 9 के पावर 840 लिख दिया, अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो देखिए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी इसके आगे तो बहुत सारी संख्याएं रहेंगी। चलिए, अब चार अंक और बचा है। कौन कौन सा बचा है, तो हमारा अभी बचा है 2 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 7 बचा है, फिर 8 बचा है, ये चार अंक और बचे हुए हैं। तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में जो भी संख्या रहेगी उसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं भैया, जैसे देखिए मैंने ले लिया कितना, 62, 62 के पावर कितना ले लिया हमने, 432 ले लिया, ठीक है, 62 के पावर 432 है। आप क्या देखेंगे कि इकाई अंक कितना है, इकाई अंक तो 2 है, जब इकाई अंक 2 रहता है तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए कि भाग देंगे किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे, कब, जब इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे। तो 62 में इकाई अंक कितना है, 2 है, जब 2 है तो पावर में जो संख्या है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड वाला नियम मैंने बताया था कि पावर में मान लीजिए कि 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों में भाग नहीं देना है, सिर्फ पीछे के 2 अंकों में भाग देना है। अगर भाग पूरी तरीके से लग जाता है, शेष नहीं बचता है, तो क्या करेंगे, 2 के पावर में, 2 के पावर में क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। अगर शेष 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, मतलब रिमाइंडर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, तब 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 बचता है तो क्या लिखेंगे, पावर में हम लोग 4 रख लेंगे। अब देखिए, जब 32 में 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 एट जा 32 हो जाएगा, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 2 के पावर में कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। और 2 के पावर में कितना 4 होता है, कितना होता है, 16 होता है। और 16 में इकाई अंक कितना है, 6 है भैया, तो 62 के पावर 432 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके आगे बहुत सारे अंक रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, हम लोगों ने 2 का देख लिया, अब 3 का देखिए, तो 3 में भी वही नियम लगाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया 673 लिख दिया मैंने, ठीक है, 673 लिख दिया। इसके पावर में आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे मैंने रख दिया 487 रख लिया, ठीक है भाई, 487 रख लिया। अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें का देखिए, इसमें का इकाई अंक कौन सा है, 3 है, तो 3 का नियम क्या होता है कि जो भी घात में संख्या है उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो पावर में जब जो भी संख्या रहे उसमें 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 2 अंकों में भाग देकर चेक करिए। जब 87 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 4 दुना के 8 हो जाएगा, 8 कट जाएगा, 7 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर शेष कितना बचा, 3 शेष बचा है ना, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 के पावर में हम इसे रिमाइंडर को रख देंगे। अब कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27, और 27 में इकाई अंक कितना है, 7, सिंपल सा है। अब देखिए, अंतिम में 2 अंक और हमारे बचे हुए हैं, कौन कौन से, 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ है, तो 7 का भी लिख लेते हैं, 8 का भी लिख लेते हैं, जैसे 17 ले लेते हैं, ठीक है, 17 के पावर कुछ भी रख लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 6400, मान लीजिए कि मैं रख दिया 71 रख लिया, ठीक है, 75 रख लिया हमने, चलिए 75 रख लिया हमने। अब इसको देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 7 है, 7 है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, घात में जो भी संख्या रहेगी उसमें 4 से भाग देंगे, और पूरी संख्या में डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ 75 में डिवाइड करना है। अब देखिए, तो 7 के पावर क्या आएगा, 7 के पावर जो शेषफल बचेगा वही आएगा, तो 7 के पावर शेषफल कितना बचेगा, कैसे करेंगे, तो हम लोग 75 में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जल्द मतलब विस्तार करके बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 3 यहाँ पर बच जाएगा आपका, यहाँ पर 5 बता देंगे, और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ठीक है, 18 चौक 72 होता ही है, शेषफल आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो शेषफल जितना बचा उसे यहाँ पर रख लीजिए। और 7 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 343 होता है, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया भैया, ठीक है। और अंतिम एक हमारा बचा हुआ है, कौन सा, 8 वाला बचा हुआ है, तो 8 वाला भी देख लेते हैं, ये तो और भी सिंपल है, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर एक अंतिम सवाल आपके लिए है कि 8 वाला अगर इकाई अंक आता है तो कैसे करेंगे, तो देखिए 7 8 9 इससे हमसे मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है, 8 से, तो जब 8 से मतलब है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,
अब क्या करेंगे कि घात में जो भी संख्या है उसमें चार से डिवाइड करेंगे। चार से विभाज्यता का नियम है कि घात में जो भी संख्या है उसमें पूरी संख्या में भाग मत दीजिए, सिर्फ अंतिम के दो अंकों में डिवाइड करिए। अंतिम के दो अंक में डिवाइड करेंगे तो देखिए, जब 41 में चार से भाग लगाएंगे तो चार दहा में 40, 4 10 40 होता है, एक शेषफल बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेष बचा उसको पावर में रख लेंगे और 8 के पावर 1 का मान कितना होगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट आपका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है भाई, अगर नया सीखा है आपने तो कमेंट करके बताइए, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपके लिए फ्री है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।